मेरे बहनों और भाइयों, पहले चरण में यह टीका लगेगा डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, क्योंकि वो हमारी जिंदगी बचाने के लिए काम करते हैं, उनको लगेगा। दूसरे चरण में सुरक्षा बल, पुलिस वाले, नगर निगम, स्वास्थ्य कर्मी, उनको लगेगा। और तीसरे चरण में आम जनता को कोरोना का टीका लगाना शुरू कर दिया जाएगा। अब इस बीमारी को खत्म करना है। लेकिन कोरोना के टीका का मतलब नहीं कि आज टीका लगा और कल पहलवान हो गए। दो डोज लगेंगे, एक लगेगा उसके 28 दिन के बाद दूसरा, और उसके बाद भी 14 दिन बाद एंटीबॉडी बनेगी। तब तक मास्क ही उपाय है, इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, मास्क लगाना मत छोड़ना। मास्क जरूरी है, लेकिन कोरोना की लड़ाई भी आपके आशीर्वाद से सफलता के साथ लड़ी। मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जैसा कोई नहीं। लेकिन कांग्रेस के लोग उन्हीं को कहीं ने तो यह फैला दिया कि वैक्सीन मत लगवाओ, पता नहीं कहीं गड़बड़ हो जाए। अरे कोई पागल है जो गड़बड़ दे देगा? सारे वैज्ञानिकों ने जांची, परखी है, खरी निकली है। तो धीरे धीरे नंबर आएगा, चिंता मत करना। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, उस काल में भी आपको याद होगा, 1 रुपया किलो गेहूं चावल देने के साथ साथ गरीब को हमने फ्री में भी गेहूं और चावल देना शुरू किया था कोरोना काल में, नवंबर तक। करोड़ों करोड़ गरीब बहनों और भाइयों मुफ्त में राशन मिल जाए, कोरोना का इलाज मिल जाए, किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाए। मेरे किसान भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आई है इसलिए गौर परियोजना पे जल्दी काम प्रारंभ करके किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का अभियान चलाने का हमने संकल्प लिया है। सांसद जी, मेरे विधायक साथी कुंवर सिंह जी और सुभाष जी और अमर सिंह जी सब बैठे, रामलल्लू जी तो है ही सहित थे, लेकिन उस समय कांग्रेस ने क्या किया? विकास के सारे काम ठप्प कर दिए, योजनाओं पर काम बंद हो गया। लेकिन हमने, जब मैं मुख्यमंत्री बना 23 मार्च को, तो पता चला कमलनाथ जी ने तो किसानों के फसल बीमा योजना के प्रीमियम की राशि जमा नहीं करी, 2200 करोड़ रुपया वो ही खा गए। हमने सबसे पहले 2200 करोड़ रुपया जमा करके 3100 करोड़ किसानों के खाते में डलवाए। फिर 19 और 20 के रबी और खरीफ के फसल बीमा योजना का पैसा जमा करके प्रीमियम का 4600 करोड़ रुपया खाते में डलवाए। आरबीसी 6000 की राशि, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6000 रुपया किसान सम्मान निधि के देते हैं। कांग्रेस ने उनकी सूची नहीं भेजी, मैंने उनकी सूची भिजवाई प्रधानमंत्री जी को बनवा के किसानों की। लेकिन जब सूची बना रहे थे तो मन में विचार आया कि शिवराज तू भी चौथी बार बन गया रे, 4000 तू भी डाल दे। तो 6000 के साथ 4000 और जोड़कर 10000 कर दिए। गरीब हो, किसान हो, कोई कसर कोरोना काल में नहीं छोड़ी। और आज जब आया हूं सिंगरौली, मुझे तो इतनी बड़ी सभा की कल्पना नहीं थी। मैं तो इसके लिए आया था कि नगर के विकास की योजना और जिले के विकास की योजना बनवाई गई, लेकिन यहां तो जल समुद्र उमड़ा हुआ है। और इसलिए मेरे सिंगरौली जिले के बहनों और भाइयों, एक तो मैंने कहा था जिला बनाते समय कि सिंगरौली को सिंगापुर जैसा बनाया जाएगा। अब काम तेजी से जारी है, सिंगरौली बैठन बदल रहे हैं, बाकी कस्बों को भी नहीं छोड़ेंगे। बड़गवा से लेकर जितने आसपास के, उनका भी विकास होगा। लेकिन अकेले सिंगरौली में 873 करोड़ रुपए की योजना आज विकास के लिए हम स्वीकृत कर रहे हैं, ताकि सर्वांगीण विकास हो सके। यहां बाईपास, यहां खेल के मैदान, यहां सीवेज के पानी का सिस्टम, यहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यहां पिकनिक स्पॉट, यहां पार्कों की स्थापना। और सुन लो मेरे गांव वाले बहनों भाइयों, 2 साल के अंदर
मेरी बहनों, किसी गांव में हैंडपंप से पानी नहीं भरने दूंगा, पाइपलाइन बिछा के घर में नल लगा के नल का पानी घर घर में देंगे। बताओ नल का पानी आना चाहिए कि नहीं घर में? अब बहने कब तक हैंडपंप में पानी भरे रहे? अच्छा बेटों से तो कोई भर पाता नहीं पानी, बेटी से कहते जा पानी भरला। अब मेरी भांजियों को पानी नहीं भरने देंगे। और ये कई गांव की आज जल निगम की नल जल योजनाओं का भी हमने यहां शिलान्यास किया है, लेकिन हर एक गांव में आ जा मेरी बहन, अभियान हम शुरू कर रहे हैं पीने का पानी हर घर में नल के द्वारा। और पीने के पानी के साथ साथ 2024 तक, अभी मैं गया था सिंगरौली में, 504 मकान की चाबी मिली आज गरीब बहनों और भाइयों को, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम ये सबके लिए चाहिए। रोटी के लिए सस्ता राशन, वो गरीबों को लगातार चालू रहेगा। गरीब बहनों भाइयों की संबल योजना, दिग्गी राजा कमलनाथ तुमने तो बंद कर दी थी रे, क्या बिगाड़ा था गरीब जनता ने? अरे मेरी बहनों और भाइयों, संबल योजना में हमने तय किया था कि गरीब बेटे बेटियों की फीस भरवाएंगे, चाहे वो कोई सी उच्च शिक्षा प्राप्त करे। मेरी बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपया दो बच्चों तक दिए जाएंगे। अरे कमलनाथ क्या बिगाड़ा था मेरी गरीब बहनों ने, तुमने तो उनके मुंह से लड्डू तक छीन लिया। अब बहनों फिर से चालू कर रहे हैं वो योजना, फिर से चालू हो रही है बेटियों की। हम शादी करते थे, कमलनाथ जी अकड़ गए, कह लगे ये शिवराज तो कम पैसे देता, मैं 51,000 दूंगा। अब लोग भी खुश हो गए कि 51,000 मिलेंगे। शादी हो गई, फेरे पड़ गए, बेटी विदा हो गई, ससुराल चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। बेटियों को नहीं छोड़ा, उनको धोखा दिया। अब ये कोरोना खत्म हो रहा है, फिर से बेटियों का विवाह का अभियान शुरू किया जाएगा, भांजियों के पैर मामा पूजेगा मेरे बहन और भाइयों। फिर से ये योजना हम चालू कर रहे हैं। एक्सीडेंट हम मौत होती थी 4,00,000 देते थे, वो 4,00,000 तुमने बंद कर दिए। सामान्य मृत्यु पर 2,00,000 देते थे, वो 2,00,000 बंद कर दिए। अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देते थे, कमलनाथ जी आपने तो गरीबों के कफन के 5,000 भी छीन लिए रे। अब ये योजना फिर चालू कर रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, मैं फिर कह रहा हूं 2024 तक इस पूरी टीम की कोशिश होगी पूरे सिंगरौली जिले में कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहने देंगे। बड़ा नहीं लेकिन छोटा पक्की छत वाला मकान जरूर मिल जाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं? उसकी व्यवस्था करेंगे। और मेरे बेटा बेटियों, ये सिंगरौली पावर हब बन रहा है। मैं उन भाइयों को प्रणाम करता हूं जिनकी जमीनें गई उद्योगों में, और आज मैं कलेक्टर है, कमिश्नर है। भाई देखो, रोज समीक्षा करो, विस्थापितों को पूरा हक और अधिकार मिलना चाहिए। उद्योग आए लेकिन विस्थापितों को भी पूरा हक मिलना चाहिए। इसके हर महीने समीक्षा करो, उद्योगों के साथ समीक्षा करो, और इसके साथ साथ हर उद्योग में उद्योग लाएंगे, क्योंकि बिना उद्योग के काम नहीं चलेगा। लेकिन स्थानीय बेटा बेटियों को रोजगार मिले इसकी गिनती करना। रोजगार हमारे बच्चों को चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसलिए स्थानीय बच्चे, जो शासन की नीति है कम से कम 75%, उनको रोजगार मिलना चाहिए। इसकी गिनती उद्योगों में होनी चाहिए, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ताकि ये बच्चे काम धंधे से लग सके।
और काम धंधे से लगने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। काम नहीं आएगा तो कौन देगा? और इसलिए अभी आईटीआई में कितनी सीट है वो कम है। दो चीजें आज हम तय कर रहे हैं, एक तो माइनिंग कॉलेज की स्थापना जो पहले से सोचा है सिंगरौली में की जाएगी, माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए कि नहीं, तो आज जनता की अदालत में तय हो गया। तेजी से इसकी प्रक्रिया पूरी करेंगे और माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज सिंगरौली की धरती पर खोला जाएगा ताकि मेरे बच्चों को ट्रेनिंग मिले और बाद में वो रोजगार से लग जाए। मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला सिंगरौली में किया जा चुका है, डीपीआर बन रहा है, अगली बार उसके भूमि पूजन के लिए भी आएंगे। यहां इंजीनियरिंग कॉलेज, यहां मेडिकल कॉलेज, लेकिन इसके साथ साथ